की जमीन पर कब्जे के लिए पुजारियों को परेशान करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। करौली में पुजारी को जिंदा जलाने की इंतहा देने वाली घटना के बाद अब भीलवाड़ा में भी पुजारी परिवार से मारपीट की गई है। मामला रायपुर तहसील के भीटा गांव का है, जहां भूमाफिया ने न केवल हमला कर तोड़फोड़ की बल्कि पुजारी की पिटाई कर उसे गाँव से बेदखल कर दिया। इसके बाद लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पुजारी मेघनाथ जोगी ने कहा कि उनके पूर्वजों को राजा महाराजाओं के समय से जमीन मंदिर के लिए मिली थी, लेकिन गांव के भूमाफिया अब जमीन हड़पना चाहते हैं। अरे मन खेता कूड़ा में काट दो, डोली की सेवा कर रही हूँ, मोन मन सेवा जोरा रही हूँ, डोड़ावा फुड़ावा कर दी दान, मैंने कूटा मारो कर मेरी जमीन में काट दी दो, अन मेरा खेत कूड़ा मैंने ही काट दिया, अन लोग आ गया, अन लोग बाहर रही हमारा खेता ने, मैंने ऊपर ऊपर नाल दियो मुँह कतरा जड़ा है ये तो है 8-8 जना। क्योंकि जो आज वर्षों से, आज करीबन 150 सालों से पुजारी उस जमीन पर काबिज थे, उन लोगों को घर से बेदखल कर दिया गया है और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। ग्राम पंचायत भीटा का मामला है, उनको समाज से खिलाफ कर दिया, गांव से खिलाफ कर दिया गया है। उनके गांव में कोई भी आदमी उनके पास जाता है तो उनको 11,000 रुपये का जुर्माना। मेघनाथ जोगी करके पुजारी है, जो वर्षों से उनके बाप राजा महाराजा के समय से उनके बाप दादाओं के नाम पर ज़मीन थी, अभी राज्य सरकार के आदेश अनुसार उस ज़मीन को महादेव जी के नाम पर कन्वर्ट कर दी, पुजारियों के नाम विलुप्त करके। तो देखिए जरा, करौली में जो हुआ उसके बाद से प्रदेश आगे बढ़ ही रहा था कि एक और घटना इस तरीके की, लेकिन घटना में चौंकाने वाले कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य तो ये कि पुजारी को न सिर्फ बेदखल किया गया बल्कि गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। जोरान अगर कोई पुजारी की हेल्प करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मतलब यह कि पूरा गांव एक तरफ और पुजारी एक तरफ। पंचायत के फैसले हुए होंगे, पंच पटेलों के फैसले हुए होंगे जिसमें फरमान दिया गया होगा। सवाल इस बीच यह है कि जिस जमीन पर 150 साल से परिवार रह रहा था उसको किस तरीके से हटाया गया, और जब उनको हटाया गया तो पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों वापस उनको उनकी जमीन तक नहीं पहुंचाया गया, ये तमाम सवाल हैं। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि भूमाफिया जो चाहे वो कर सकते हैं? यहां चौंकाने वाली बात यह है कि न सिर्फ भूमाफिया बल्कि आरोप गांव पर लग रहे हैं। गांव पर आरोप लग रहे हैं कि हुक्का पानी बंद कर दिया गया, कोई सहायता नहीं की गई, उनको गांव से बेदखल कर दिया गया, गांव से बाहर निकाल दिया गया। क्या वाकई में इस पुजारी को, इस पुजारी परिवार को इंसाफ मिलेगा? इस खबर